क्रॉप्स, इंफ्लामेशन ऑफ द लेरिंगो ट्रेक्यूल इन्फेक्शंस, क्रॉप सिंड्रोम, लेरिंगो ट्रेक्यो ब्रोंकाइटिस, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी कंडीशन दैट इज यूजली ट्रिगर्ड बाय एक्यूट वायरल इन्फेक्शन ऑफ द अपर एयरवे सेक्टराइज बाय बार्किंग कफ स्टिडोर एंड होर्सिसन होर्सिनेस, यानी जो वॉइस है वो चेंज हो जाती है. एंड द टर्म कैन बी यूज ब्रॉडली टू इंक्लूड एक्यूट लेरिंगो ट्रेंको ट्रेक्यूटिस, स्पास्मोडिक क्रॉप लेरिंजियल डायफिरमिया, बैक्टीरियल ट्रेकाइटिस, लेरिंगो ट्रेक्यो ब्रोंकाइटिस एंड लेरिंगो ट्रेक्यो ब्रोंको न्यूमोनाइटिस. एटियोलॉजी फैक्टर्स, वायरस सच एज पेन इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा ए एंड बी, मीजल्स एडिनो वायरस एंड रेस्पिरेटरी सिनसाइटल वायरस, बैक्टीरियल सच एज कोरिनोबैक्टीरियम डिफिरमिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. क्लिनिक मैनिफेस्टेशन, बार्किंग कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, फीवर, देन चेस्ट वॉल इन ड्रॉविंग, हॉर्सनेस. डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, ब्लड टेस्ट वे वायरल कल्चर इफ इंडिकेटेड, देन फ्रोंटल एक्सरे नेक. कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं इसमें, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है एंड एपिग्लोटिस एंड एटिलैक्सिस हो सकता है. स्किन विद डिक्रीज टर्गर रिमेन्स एलिवेटेड विद पेल्ड अप एंड रिलीज, डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, इनसाइड द ट्रेकिया सोलन एंड नेरो एयरवे, यानी बैक्टीरियल ट्रेकियाटिस हो जाता है जो ट्रेकिया में इन्फेक्शंस. प्रोग्नोसिस, वायरल क्रॉप यूजली 3 to 7 days, आउटलुक टू बैक्टीरियल क्रॉप इज गुड, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इफ एन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सीवियर डिफिकल्टी ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट कैन अकर. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट, द मेजर गोल ऑफ ट्रीटमेंट ALTB इज नॉट मेंटेन द एयरवे एडिक्यूट एयर एक्सचेंज, एंटीमाइक्रोबल थेरेपी इज ऑर्डर, चाइल्ड इज प्लेस्ड इन सुपर स्ट्रक्चर एटमोसफेयर सच एज क्रिप्टिव और सम अदर काइंड ऑफ डिसमेंट दैट आल्सो इंक्लूड द एडमिशन ऑक्सीजन टू अचीव ब्रोंकोडायलेशन, नेबुलाइजेशन एंड नेपरिन मे बी एडमिनिस्टर्ड. नेबुलाइजेशन इज यूजली एडमिनिस्टर्ड एवरी 3 to 4 hours. नेबुलाइजेशन ऑफ्टन प्रोड्यूस रैपिड रिलीफ बिकॉज कॉज वेसो कॉन्स्ट्रक्शन. द चाइल्ड इज रिक्वायर केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिपेंस ऑफ सिम्टम, इफ नेसरी इंटुबेशन ऑफ नेजोट्रेकियल ट्यूब मे बी परफॉर्म्ड. चाइल्ड सीवियर डिस्ट्रेस अनरिलीव बाय द मेजर्स, एंटीबायोटिक्स एडमिशन, पेरानेटरी इनिशन एंड कंटिन्यूड आफ्टर द टेम्परेचर हैज नॉर्मलाइज. कंटिन्यू हिस्ट्री, इनिशन असिसमेंट कैन बी ऑब्जर्व प्रोबेबली वाइल स्टिंट ऑफ द पेरेंट टैब, नॉन थ्रेटिंग डिस्टेंस, रेस्पिरेटरी स्टेटस, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, टेकल टक, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस सेंट्रल साइनोसिस. जनरल ए चाइल्ड हु इज एजिटेटेड अपीयर्स टू बी द ट्रिगर एंड द एफर्ट ऑफ ब्रीथिंग अ डिक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नीड्स टू क्लोजली मॉनिटर. डिग्री ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, प्रेजेंस ऑफ स्टूडर एट रेस्ट, टेकल टक, चेस्ट वॉल रिट्रैक्शन, चेंजिंग RR, चेंजिंग HR इंडिकेट एरर, ट्रीटमेंट इज नेसेसरी. नर्सिंग डायग्नोसिस, इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेट टू प्रेजेंस ऑफ थिक टेनेसियस मुकस एंड स्वेलिंग और स्पाज्म एपिग्लोटिस एज एविडेंस बाय रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, पेरसिस्टेंट बार्किंग कफ. इनएफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेट टू लेरिंगो ट्रेक्यो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन एज एविडेंस बाय नेजल फ्लेयरिंग, इन्फेक्शन स्टूडर्ट, डिस टेकिपनिया और डिसनिया. फटिग रिलेट टू डिसनिया एज एविडेंस बाय एक्सुएटेड अपीयरेंस लेथार्जी. एंजाइटी रिलेट टू चेंज हेल्थ इज इन्फेंट एंड चाइल्ड एज एविडेंस बाय द इंक्रीज एफिशियंस. द कंडीशन वर्सेज ऑस्पिटलाइजेशन में भी नर्सरी था प्रोलॉन्ग पैटर्न. डेफिसिट फ्लूड वॉल्यूम रिलेट टू डिक्रीज एबिलिटी टू एवर्जन, स्वेलिंग, पेशेंस फीवर, इंक्रीज डायबिटी लॉसेज. नर्सिंग इंटरवेंशन, ह्यूमिडी फील्ड एयर कूल मिस्ट द ओमिफ्लूटर एंड सिटिंग विद द चाइल्ड बेडरूम नॉट ए सोवर फील्ड ए स्टीम जनरलाइज रनिंग हॉट वाटर फ्रॉम द हेल्प मिनिमाइज सिंड्रोम. दूसरा एंटीपैरेटिक्स ट्रीट फीवर टू एंटीपैरेटिक्स. फ्लूड इंटेक इंक्रेज ऑफ ओरल इंटेक इन फ्रोजन जूस पेप्सिकन्स आल्सो कैन बी गिवन इज थ्रोट सोरेसनेस. एजुकेशन एंड स्मोकिंग एजुकेशन ऑन स्मोकिंग एजुकेट
caregivers avoid smoking in the home. Smoke and version of child cup head evident. Keep the child head evited. An infant can be placed car seat, maybe child proper the bed, extra pillow, and pillow should be not to infants younger and 12 month or age. Decrease anxiety. Young children should be kept the comfortable edge position, allowing him or remain the parent's arms and avoiding unnecessary painful intervention. Maybe cause agitation, respiratory distress, load of increased oxygen requirement, persistent caring, increased oxygen demands, and respiratory muscles fatigue. Can worsen airway obstruction. Vital sign monitoring. Concurrently, careful monitoring of the heart rate, tachycardia, respiratory rate, tachypnea, respiratory mechanism, the external wall of retractions, pulse oximetry, hypoxia are important. Cool mist administration. Historically, cool mist administration was a mainstay of treatment of crops. Hospital of crops rooms filled the cool mist theoretical and mist wounds airway secretion decrease the viscosity and soothe and inflamed mucosa. This topic is complete. Thank you, everyone.